उत्तराखंड में नवविवाहिता की मेहंदी सूखने से पहले ही मौत का मामला सामने आया है। युवती की शादी मात्र 2 महीने पहले ही पास के गांव में हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला दहेज में हत्या का नजर आ रहा था, तो वहीं उत्तराखंड में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। यह मामला डोईवाला के रानी पोखरी थाना के अंतर्गत सिंघवाल गांव का है, जहां विजेंद्र सिंह की बेटी आरती का विवाह पवन रावत, जो कि भोगपुर का निवासी है, उससे 12 दिसंबर 2021 में हुई थी। मृतक युवती के पिता ने रानी पोखरी थाना में तहरीर दी है कि विवाह से पहले से ही उनकी पुत्री आरती को दहेज के प्रति प्रताड़ित किया जाने लगा था और शादी के बाद से ही उनकी पुत्री डरी और घबराई हुई रहती थी। कल शाम लगभग 7 बजे आरती ने अपनी बड़ी बहन से फोन पर रोते हुए बात की थी और बहुत घबराई हुई थी। उसके बाद आरती ने फोन काट दिया और आरती के परिजनों से उसका कोई संपर्क नहीं हो सका। तो वहीं सुबह आरती के पति पवन परिजनों के घर आया और आरती के बाथरूम में गिरकर फिसलने से चोट लगने की बात कही। साथ ही बताया कि वह हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट में भर्ती है, जिसके बाद तुरंत ही आरती के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी पुत्री 10 घंटे पहले ही मर चुकी है, जिसके बाद युवती के पति पवन रावत ने अपना बयान बदलते हुए बताया कि आरती ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ये लड़की है, इसका नाम है आरती और इसकी उम्र करीब 26 साल है और अभी लगभग 3 माह पहले इसका विवाह हुआ था और इसके जो पति हैं पवन रावत, तो ये बताया गया कि इसकी कुछ इन्होंने रात को कुछ खा लिया, इसके ससुराल वालों ने बताया कुछ और इसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मृत बताया कि मृत लेके आए, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पवन रावत और नितिन, जो कि इसका देवर है, उसको अरेस्ट कर लिया है। 4 मुलजिम हैं, तो बाकी को भी इसमें अरेस्ट किया जाएगा।